सो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में MT-125 के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि मेरे को कमियां लगी, मतलब ज़्यादा बड़ी कमी नहीं है, माइनर सी कमियां है जो कि मेरे को लगी और जो कि मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि MT-125 जल्दी इंडियन मार्केट में आने वाली है। तो उस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई, बाकी मेरा कोई मकसद नहीं था इसको बनाने का, बिकॉज कुछ मेरे को कमी लगी थी इस बाइक में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो मिलेगी यहाँ पे आपको माइलेज आपको कम देखने को मिल सकती है कंपेयरिंग टू अदर बाइक्स 125cc बाइक्स। यदि आप अदर 125cc की माइलेज देखो तो वहाँ पे आपको इजीली 50 से 60 की माइलेज मिल जाती है, बट यहाँ पे आपको 40 से 45 ही देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे पावर भी तो है, पावर चाहिए तो यार देखो माइलेज का तो लॉस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको पावर वगैरह अच्छी मिल जाती है। बात करूँ यहाँ पे सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे यार कंफर्ट नहीं मिलता आपको, कंफर्ट आपको पिलियन के लिए नहीं मिलता, राइडर के लिए काफ़ी अच्छा कंफर्ट है। राइडर चाहे फिर कितनी लॉन्ग राइड करे या फिर कुछ करे, काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिल जाता है उसको, लेकिन पिलियन को दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी। तो ये थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम लगी यहाँ पे, बाकी आप बताना जिसके पास भी MT-15 हो तो बताना जरूर कि कंफर्ट कैसा है पिलियन के लिए, यदि कोई लेडी वगैरह को बैठाते हैं तो बताना जरूर कि कैसा कंफर्ट आपको मिलता है। तो गाइस बात करूँ यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो कि आने वाला है हमारे पास प्राइसिंग, तो प्राइसिंग मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा जाने वाली इस बाइक की, बिकॉज जो MT-15 की थी वो भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस गई थी, एंड मेरे को लग रहा है MT-125 की भी प्राइस जाएगी 1 लाख से ऊपर ही लॉन्च होने वाली है, मतलब 1.20 लाख तक जाएगा इसका प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस, एंड 1.30 तक इसकी ऑन रोड प्राइस जाएगी। तो देखते हैं कितना प्राइस इसका जाने वाला है। बात करूँ यहाँ पे लास्ट जो मेरे को कमी लगी तो वो लगी यार यहाँ पे लिक्विड कूल्ड की जगह इंडिया में आपको एयर कूल्ड मिलने वाला है, बिकॉज कॉस्ट कटिंग के ऊपर यहाँ पे लिक्विड कूल्ड की जगह एयर कूल्ड दे सकते हैं और ड्यूअल डिस्क की जगह सिंगल डिस्क दे सकते हैं। तो ये कुछ मेरे को कमियाँ लगी जो कि शायद आपको बतानी चाहिए थी, मेरे को नहीं लगता कि ये ज़्यादा बड़ी कमी है, छोटी छोटी कमियाँ हैं जो कि आपके लिए बताना जरूरी था, बिकॉज काफ़ी सारे बंदों के लिए बड़ी कमी भी हो सकती है और काफ़ी सारे बंदों के लिए कुछ भी कमी नहीं हो सकती। तो बाकी आप बताना आपको कौन सी कमी लगी इसमें सही एंड कौन सी आपको कमी ना के बराबर लगी। तो गाइज़ ये था कुछ आज की वीडियो में, तो कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर लेना। तो गाइज़ जो इसका लॉन्च है वो आने वाले 6 मंथ्स में होने वाला है, बिकॉज अभी तक तो ये टेस्टिंग पे भी मेरे ख्याल से नहीं निकली है, जब इसकी टेस्टिंग हो जाएगी तो उसके बाद अनाउंस हो जाएगी कि हाँ बाइक कंफर्म हो चुकी है लॉन्च के लिए, तो उसके बाद आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी इंडियन मार्केट में। अभी तक तो इसका कोई अता पता ही नहीं है, तो देखते हैं कब तक आती है। यूरोप में लॉन्च हो चुकी है, तो यूरोप में लॉन्च होगी तो इंडिया में भी जल्दी आ जाएगी, बिकॉज इंडिया में अभी हर कोई 125cc में बाइक लॉन्च कर रहा है, तो ये भी जल्दी इंडियन मार्केट में आ जाएगी। तो वेट कर लो इसके लिए, यदि कोई वेट करना चाहता है तो, काफ़ी सारे बंदे वेट कर लेते हैं पर काफ़ी सारे बंदे वेट नहीं करते, बिकॉज उनको अर्जेंट लेनी होती है, तो जिनको लेनी है वो ले लीजिए, बिकॉज इसका कोई कन्फर्म नहीं है कि कितने टाइम लगे इसको लॉन्च होने में, तो वेट करना चाहो तो कर सकते हो, यदि किसी को अभी अर्जेंट जरूरत नहीं है बाइक की तो। सो गाइस ये था कुछ आज की वीडियो में, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर लेना, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।